हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुलिपि शॉर्ट एंड। फ्रेंड्स, आज की जो डिक्टेशन है वो हिंदी शॉर्ट एंड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये हमारी 14th डिक्टेशन है जो हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन 14th। सभापति महोदय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और चर्चा में भाग लेते हुए अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। बड़े दुख की बात है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया तो कुछ विपक्षी दलों के सदस्य सदन से उठकर चले गए। मैं यह मानता हूँ कि देश की बिगड़ती हुई हालत को ध्यान में रखकर उन सदस्यों ने विरोध प्रकट किया है, किंतु विरोध प्रकट करने के और भी कई अन्य तरीके हो सकते हैं। वे अपनी बातों को सदन के समक्ष रख सकते थे, विरोध प्रकट कर सकते थे और फिर भी यदि वे चाहते तो सदन छोड़कर जा सकते थे। अभिभाषण में देश की एकता को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी तरफ सबका ध्यान जाना चाहिए। कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि देश के कई राज्यों में हिंसक आंदोलन चल रहे हैं जिससे वहां की शांति व्यवस्था को खतरा हो गया है। आंदोलन चलाए जा सकते हैं, किंतु जब आंदोलन हिंसक हो जाते हैं, जनता को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और देश की एकता के लिए खतरा बढ़ जाता है, तो फिर चिंता का होना स्वाभाविक ही है। राष्ट्रपति महोदय ने इस संबंध में जो विचार प्रकट किए हैं, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ और इस सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और कुछ ऐसे ठोस सुझाव सदन के पटल पर रखें जिनको कार्यान्वित करने के बाद भविष्य में किसी भी राज्य में कोई हिंसक घटना न हो। महोदय, कुछ समय पहले असम राज्य में आंदोलन चला जिसने धीरे धीरे हिंसक रूप धारण किया। राज्य को उस आंदोलन से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। आज पंजाब में स्थिति बिगड़ती जा रही है। आंदोलन के विषय कुछ भी हो, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंसा से सदा ही देश कमजोर हुआ है, जनता की परेशानियां बढ़ी हैं और शासन के लिए समस्याएं पैदा हुई हैं। इससे न केवल शांति व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा होती है बल्कि राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को भी धक्का लगता है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की चर्चा इस सदन में कल की गई थी। भारत के विदेशों के साथ, विशेषकर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। हमारी सरकार हमेशा ही पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न करती रही है।
हम सब सदस्यों का कर्तव्य है कि इन महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में हमें सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। कुछ अवसरों पर हमें सरकार की ऐसी नीतियों का समर्थन करना चाहिए जिनसे समूचे राष्ट्र का हित हो रहा हो, क्योंकि राष्ट्र के हित में ही सबका हित है।